अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न से मैं हूं आपका मेज़बान ज़हीर अहमद जगवाल। प्रोग्राम राइजिंग कश्मीर में आज स्पोर्ट्स बोर्ड के कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर मलक शौकत सरदार साहब। आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स बोर्ड है क्या, इसका फंक्शन क्या है और इसकी कारकर्दगी क्या है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट 1975 में इसका क्या अमल में लाया गया था, उस वक्त जायद अवल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान साहब वो सदर थे, सदारत निज़ाम था उस वक्त। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में नौजवानों को उनकी मुस्बत सरगर्मियों की तरफ उनका रुझान ले जाने के लिए, और फिर कौमी जो हमारे जो मुकाबला जात हैं, कॉम्पिटिशन हैं स्पोर्ट्स के, वहाँ पर उनको मौके फराहम करने के लिए स्पोर्ट्स का एक डिपार्टमेंट कायम किया था, प्लेटफॉर्म मुहैया किया नौजवानों को। और उसके बाद वो उस वक्त एक डायरेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर और दो तीन पोस्टें थी, वह उस उनकी हद तक रहा। बाद अजा इसमें बतदरीज ज़रूरत के मुताबिक इजाफा होता गया। फिर इसके साथ जो है यूथ अफेयर्स एंड कल्चर, इसका जो है ना इजाफा किया गया। तो ये जो स्पोर्ट्स है, ये जो एक अकेला स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है, इसके साथ स्पोर्ट्स है, अमूर नौजवान है और सकाफत है, ठीक है, ये तीन शोबा जात में मुश्तमिल है। इसमें ये है कि नौजवानों को जो स्पोर्ट्स की जो सहूलतें हैं वो इस हमारे जो स्पोर्ट्स का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके जरिए हम मुहैया कर रहे हैं। फिर हमारा जो सकाफत है, रियासत जम्मू कश्मीर की सकाफत, वो आपको पता है कि वो मदूम होती जा रही है। आज चूंकि मीडिया का दौर है और हमारी जो पुरानी तहजीब थी वो बिल्कुल वो पैसे पुश चली गई, उसको उजागर करने के लिए फिर जो हम सकाफत का जो प्लेटफॉर्म है इस पे हम कोशिश हैं कि जो हमारी जो तहजीब थी, जो सकाफत है जो आस्ता आस्ता गुम होती जा रही है, उसको बाहर रखा जा सके। तीन चार आपके जो है ना वो शोबे हैं जिस तरह आपने इसका जिक्र किया है, जी, तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन कितना है। जो स्पोर्ट्स है वो स्पोर्ट्स यूथ के लिए ही है, नौजवान ही जो है उससे उसको सहूलत वहाँ पहुँचाई जाती है, नौजवान ही जो वो स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को अगर यूथ कहें या यूथ को अगर स्पोर्ट्स कहें तो इनका चोली दामन का साथ है। हर साल एक नई नस्ल परवान चढ़ती है और वो जो नई नस्ल है उसके अंदर नज़रियाती और फिक्री जो तालमेल है और वो जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल जो चीज़ें हमारा जो जो तहजीब और सकाफत है हमारे पास जो है ना, हम सकाफती जो है ना उस प्लेटफॉर्म से उसको जो है नौजवानों तक हम उनको मुंतकिल करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई तुम्हारा जो माजी में ये कल्चर था, सकाफत थी, और तुम्हारी जो है उसके बाद हमारे जो नौजवान हैं इनको बताते हैं कि भाई हम देखना हमारा बुनियादी तौर पर हम जिस खित्ते में रह रहे हैं ये बेस कैंप है तहरीक आज़ादी कश्मीर का, और इस बेस कैंप में हमें जो नौजवानों के अंदर एक नज़रियाती और फिक्री जो एक तरबियत है उसका तसलसल कायम रखने के लिए हमें नौजवानों की जो है उनके सेमिनार्स प्रोग्राम्स करने और उनको स्पोर्ट्स के ज़रिए फिर उनको सकाफत के ज़रिए उन्हें जो है ना हमें एजुकेट करना होता है। हमारी जो नौजवान नस्ल है आजकल ये जो मोबाइल है उस पर उसका फोकस है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि क्या उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो स्पोर्ट्स बोर्ड को देना चाहिए था, उनको 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 ग्राउंड 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 दें आप पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। इसका थोड़ा सा हमें बताएं कि कहाँ कहाँ पे आपने क्रिकेट स्टेडियम बनाया, कहाँ कहाँ पे हॉकी स्टेडियम बनाया या बाकी जो हमारे खेल हैं। आपने बहुत खूबसूरत बात की है और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ज़रूरी बात थी कि जो हमें आपके तवसत से लोगों को बतानी ज़रूरी है। वो ये देखें जी, हमारे पास आज़ाद कश्मीर के 10 अजला हैं, 10 अजला में हमारे पास 10 हमारे पास मल्टीपर्पज़ ग्राउंड्स मौजूद हैं, ठीक है, स्टेडियम्स मौजूद हैं, ये मुजफ्फराबाद में आपके सामने है, आप खुद वहाँ पे तशरीफ़ लाते रहते हैं, यहाँ पर क्रिकेट का हमारे पास बैनुल अक़वामी मियार का स्टेडियम है, हॉकी का है, उसमें आस्ट्रोटर्फ का मामला ज़ेरे कार है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फुटबॉल का है और हम और भी
अभी उस दिन मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, तो मैंने गुजारिश की थी कि ये जो यूनिवर्सिटी ये जो अपराडा से शिफ्ट हो रही है तो ये जगह हमें मिल जाए, तो ताकि यहाँ भी हम स्पोर्ट्स की जो चीज़ें नज़रअंदाज हैं, मतलब वॉलीबॉल का है, शहर में हॉकी का नहीं है, इसका नहीं है, दीगर छोटे हमारे कोर्ट्स हैं वो नहीं है, ताकि वो भी यहाँ पर बनाकर नौजवानों को जो है वो सहूलत बाम पहुँचाई जाए। इसी तरह आप देखें कि हटिया में हमारे पास वो मौजूद है, ज़मीन मौजूद है, उसको हमने अभी इस काबिल कर दिया है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, हॉकी का क्रिकेट की पिच डाली हुई है, फुटबॉल है। मैं गुजारिश करता हूँ आगे, अभी आप देखें कि बाघ में वहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो एक मौजूद है स्टेडियम, बाकी हमारे पास रकबा मौजूद है उसके अलावा। रावला कोर्ट में ऑस्ट्रोटर्फ बिछी हुई है, वहाँ पे ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर फुटबॉल के ऑल पाकिस्तान जो है ना वो एक रेगुलर एक वहाँ फीचर है, जो ऑल पाकिस्तान गाजी मिले सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के नाम से वहाँ पर हर साल होता है, फिर सारा साल कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। आगे चले जाएँ आप पलंदरी में चले जाएँ, वहाँ पर हमारे पास स्टेडियम तैयार है, एक्टिविटीज़ होती हैं, कोटली में वो नियर टू कम्प्लीशन है, इसी तरह मीरपुर में वो स्टेडियम ज़मीन हमारी थी, बनाया उस वक्त मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और उसके बाद वो 20 साल की लीज पे पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास है। उसके अलावा आप भीमबर में चले जाएं, भीमबर में मौजूद है हमारा स्टेडियम, वहाँ पर हॉकी होता है, फुटबॉल होता है, क्रिकेट होती है, वॉलीबॉल होता है, फिर नीलम में हमारे पास जगह मौजूद है, वहाँ पर चूंकि आप वो फायरिंग रेंज वो पूरी जो है वैली है, तो वहाँ पे भी हमें जो दस्तियाब जो जगह थी जो जितनी हमें मिल सकती थी ली है, वो हमारा PC1 बनाया, यूथ हॉस्टल बना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में किस खेल का जो है वो रुझान ज़्यादा है, और अगर वो उस खेल की तरफ नौजवान जा रहे हैं तो उनकी ट्रेनर का कोई पायदार निज़ाम आपके पास? मैं आपके सवाल से पहले मैं थोड़ा सा ये जो अपनी बात पूरी मुकम्मल कर लूँ, इसके अलावा हमने आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में एक एक प्लेग्राउंड और हमने हमारा वो तैयार हो गए बनाया है। ये जो यतीम बच्चों का स्कूल है कोर्ट जिसके नाम से कश्मीर आरफन मीरपुर में है, उसके लिए हमने एक प्लेग्राउंड बनाया है। उसके अलावा 39 ग्राउंड हमारे जिनके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं उन पे जो है ना तामीराती काम शुरू है, ठीक है, 39 ग्राउंड वो हम जो है ना वो उस नए बना रहे हैं, नए बना। उसके अलावा 256 ग्राउंड हमारे पाइपलाइन में है, वो एक आध रोज में हमारी उसकी ADP होनी है इंशाल्लाह, वो हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे में जितना जिस लेवल पे हम जा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे इतना कहीं किसी जगह नहीं होगा। और यहाँ आज़ाद कश्मीर में आप पूछ रहे थे कि किस खेल का जो है ना वो सब रुझान है, खेल ये थोड़ा सा रीजनल वाइज है, इसमें इस तरह है कि मुजफ्फराबाद में फुटबॉल का रुझान है, उसके बाद क्रिकेट का रुझान है, इसी तरह रावला कोट जो पुंछ डिवीजन है उसमें हॉकी और फुटबॉल जो है वो उसका रुझान है, और आज़ाद कश्मीर की जो हॉकी चैम्पियनशिप होती है वो 34 साल मुसलसल डिस्ट्रिक्ट पुंछ उसका चैम्पियन रहा कंटिन्यू। इसी तरह आप पलंदरी में सदरूती में चले जाएं, वहाँ पर हॉकी है, वॉलीबॉल का वहाँ बड़ा स्कोप है। ये तो स्टेट लेवल की आप बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सके आप, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद इतना खेलों की तरफ आप तवज्जो दे रहे हैं, तो फिर भी कोई हमारा जो है ना खिलाड़ी उस लेवल पर नहीं जा सका, नेशनल लेवल पे, नेशनल हॉकी पे या क्रिकेट पे या फुटबॉल पे या वॉलीबॉल के ऊपर उस पर नहीं जा सका कंपटीशन में, क्या वजह? नहीं, रिसेंटली आप ये देखें कि हमारे पास पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम में हमारा लड़का है पलंदरी का, ये किला का है शाहजेब खान, ठीक है, वो खेल रहा है अभी, वो कनाडा की एक जो है उनकी एक वो काउंटी हॉकी की उसमें खेल रहा है वो जाके। इसी तरह रिसेंटली ये इन्होंने पाकिस्तान जूनियर हॉकी का कैंप लगा, उसमें 4 लड़के गए, ये को 2 महीने पहले की बात है, ठीक है। इसी तरह हम जूनियर और सीनियर कंपटीशन में हम जाते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो है वो 3 मेडल्स हमने ख्वातीन के लाए एथलेटिक्स में, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है, ठीक है। वो लड़की नीलम की रहने वाली है, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपने इसको फैसिलिटेट किया,
जी हम ही फैसिलिटेट करते हैं, मतलब हम नहीं करेंगे वो कैसे जाएंगे। बल्कि वो उस वक्त इसको ले ही नहीं रहे थे जेके को, इनकी जो एथलेटिक्स की है वो। मैंने खसूसी तौर पर रात के 11 बजे तक मैं ऑफिस बैठा रहा, और ये जो मंजूर कुरैशी हैं, ये जो एक कोच है इसके एथलेटिक्स के और उनकी एसोसिएशन का वो प्रेसिडेंट है मुजफ्फराबाद का, ये मेरे पास बैठा रहा और मैंने ओके करके जब वो ये उन्होंने कहा जी कि आप भेज दें, उस वक्त मैं दफ्तर से उठाऊं और तीसरे दिन उसने 3 मेडल उठाए। अच्छा, हाँ, वो जो टीम भेजी आजाद कश्मीर की वॉलीबॉल जो खवातीन की टीम है, वो इस दफा हमारी जो नेशनल गेम्स हुई हैं पिशावर में, उसमें ओलंपिक गेम्स, उनमें वो पूरे यानी जितनी टीम्स थी सुबह की और डिपार्टमेंट की, किसी से नहीं आ रही हैं, गोल्ड मेडल लेके आई हैं। पीएसएल में आप क्यों नहीं गए? हमारा जो डिपार्टमेंट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये बेसिकली जो हमारी ओलंपिक गेम्स है उनकी प्रमोशन के लिए बनाया गया है। क्रिकेट जो ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हाँ, मतलब लोग समझते हैं कि हम क्रिकेट को इससे प्रमोट करते हैं, क्रिकेट बुनियादी तौर पर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। Okay. उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मौजूद है, ठीक है, और वो हम उनको एडिशनल फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसलिए वहां पर हम अपनी आज तक कोई भी जो जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है उन्होंने वो नहीं भेजते टीम, हमारे पास उसका मैंडेट ही नहीं है। ओलंपिक्स गेमों में आपने जिक्र भी किया कि जो है वो हमारी बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, ये कब से आप जो है वो लोगों को वहाँ पे भेज रहे हैं इन गेमों में? ये जब से हमारा महकमा 1975 से जब से बना है उस वक्त से हमारे लोग जा रहे हैं। मतलब पहले मीडिया का इतना नहीं था, दौर नहीं था, पता नहीं चलता था लोगों को, जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात थी। अब मीडिया आ गया, आप रोजाना देख रहे होंगे हमारी एक्टिविटीज़, कभी किसी जगह पे होती है, कभी अभी हमने 34 स्कूलों में जो हाई स्कूल है उनमें हमने हॉकी बॉल तकसीम किए ताकि इसको हम ग्रास रूट लेवल से को हॉकी कौमी खेल है इसको प्रमोट किया जा सके। तो इसी तरह अगर ये मीडिया ना होता तो किसी को क्या पता था कि जो है ना वो कहाँ किसने क्या काम किया। इसी तरह हम फुटबॉल लोगों को तकसीम कर रहे हैं, वॉलीबॉल तकसीम कर रहे हैं, और अभी हम जो एथलेटिक्स के जो है ना वो 3 जो है ना पहले फेज पे 3 डिवीजन्स में सारा सामान लेके। क्या ये मुमकिन है कि आप डिस्ट्रिक्ट सतह से निकल के तहसील सतह पे और फिर यूनियन काउंसिल की सतह पे आप ले जाएं इसको, लोगों को फैसिलिटेट करें नौजवानों को, ताकि ये जो जो मोबाइल का इस्तेमाल है इसमें कमी वाकई हो। अभी हम जो 256 ग्राउंड्स बना रहे हैं जी, तो ये 256 ग्राउंड इसीलिए बना रहे हैं कि नौजवान मोबाइल छोड़कर अमली मैदान में आए और वो उसकी जो है ना वो मुस्बत सरगर्मी की तरफ खेले। जिस्मानी जब तक जिस्मानी तौर पर नौजवान जो है वो मजबूत नहीं होगा, न वो अच्छी तालीम ले सकता है, न वो माशरे के लिए कारामद साबित हो सकता है। वो एक हम जो है ना एक अरसे से मरीज पैदा होना शुरू हो गए और हमने इस तरफ जो है ना वो तवज्जो दी और हमने जो है ग्राउंड आबाद किए ताकि अस्पतालों की तरफ जो है ना वो बोझ कम हो सके। हाँ, तो नहीं तो आजकल आप देख रहे हैं कि अस्पताल भरे हुए हैं, जिधर जाए बंदा सोचता है। कोई टाइम लिमिट बताएंगे कि कब तक ये आपके जो ग्राउंड्स की पोजीशन जो है इसमें काबिल हो जाएंगे? ये हम 6 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह। ओह वेरी गुड, जी जी, तो हम बड़ी काबिल हो जाएंगे। खुशखबरी सुनाई लोगों को। जी जी, कितना बजट दरकार होगा आपको इसमें? हमें जितना भी हमारा जो रिक्वायर्ड बजट है वो मैं अभी मेरे पास तो फिगर नहीं है। अभी हमारी 1.14 करोड़ की स्कीम अभी आज उसकी प्री DWP हो रही है। अच्छा, वो हो जाएगी। इससे पहले हमारा 14-15 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उससे पहले हमारे मुकम्मल हो चुके हैं प्रोजेक्ट। तो इसके अलावा हमने और ज़मीनें ले रखी हैं, दीरकोट में है, सेसा में है, नकियाल में स्टेडियम बनाया है, डोडियाल में स्टेडियम बनाया हुआ है, सुमानी में है, बरनाला में है, हर जगह हम जो है ना वो जहाँ हमें जो है ना वो मौका मिलता है हम वहाँ पे ज़मीन ले लेते हैं और वो ज़मीन लेकर हम उसको जो है ना पहले फेज पे हम ज़मीन लेते हैं, सेकंड फेज पे हम वहाँ पे ग्राउंड तैयार करते हैं। अच्छा, मोस्टली देखा गया है आपके ग्राउंड्स पे जो है पहरेदार होते हैं कि यहाँ पे एंट्री नहीं होती, उसकी क्या वजह है मलिक साहब? असल में वो चूँकि ग्राउंड है खेल के लिए, ठीक है, लोग मुख्तलिफ और एक्टिविटीज के लिए ग्राउंड खराब कर देते हैं, ठीक है, तो जब ग्राउंड खराब होगा तो वहाँ खेल नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए वहाँ उसकी हिफाजत करना बड़ी जरूरी है। चौकीदारी तो हर जगह जरूरी है,
वो जब तक नहीं रखेंगे तो वो मसला हो जाएगा। ठीक है, लोग हमारी हम चूंकि वो उस अभी तक उस मियार पे नहीं गए कि हम अपनी कौमी चीज़ों की आम आदमी भी उसको अपनी समझ के हिफाजत कर सके, तो वो ज़ाया होने का खतरा होता है, इसलिए ठीक है वो ठीक बड़ा ज़रूरी है। क्या स्पोर्ट्स बोर्ड मुस्तकबिल में कोई ऐसी प्लानिंग रखता है कि जो मकामी लोग हैं, मकामी जो कम्यूनिटी है उसके साथ जो है वो रابطہ कायम करे, उसके साथ कोई ऐसी बॉडी बनाए कि जी ये स्पोर्ट्स बोर्ड्स के लिए ये कमेटी बनाई जाती है, आप जो है ना खेलों को फ़रोग दें, कोई है इस तरह का? आपको ग्राउंड भी ख़राब ना हो, लोगों को सहूलत भी हो। इस वक्त तक तो लोगों को शिकायत है जी कि हमें जो है ना एक्सेस नहीं है ग्राउंड तक। इकबाल साहब, ये जो बात जो आपने सवाल किया है ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने गुजारिश की कि हम 256 जो ग्राउंड्स बना रहे हैं 256 वो तालीमी इदाराजात के साथ और कम्युनिटी के जो है ना वहाँ पे कम्युनिटी ग्राउंड्स है ये वो बना रहे हैं, वो हम एक कमेटी बनाएंगे, वो कम्युनिटी के हवाले करेंगे। 256 ग्राउंड पे हमारे पास एक महदूद अमला है, वसाइल नहीं है इतने कि हम हर जगह हम जाके वहाँ बैठ सकें कर सकें, वो हम कमेटी बना के उन लोगों के हवाले कर रहे हैं। एक तासर है कि आपकी जो जितनी भी आप कंपटीशन करवाने जाते हैं या टूर्नामेंट करवाते हैं उसमें जो खिलाड़ियों की सिलेक्शन होती है उसमें बड़ी डंडी मारी जाती है। नहीं, डंडी नहीं मारी जाती, हम कभी ये जो है ना ये काम नहीं करते। इसमें टैलेंटेड जो लोग हैं वो रह जाते हैं सर, ये मोस्टली देखने में आए। नहीं नहीं नहीं, कभी कोई अगर किसी एसोसिएशन ने किया है, क्योंकि ये हमारा देखे ना हम करवाते हैं, एसोसिएशन ही तो डंडी मारती है ना सर। देखे ना, आपको अपना कोई बोर्ड का अपना एक पैमाना होना चाहिए ना कि ये खिलाड़ी जो है वो इस फील्ड में हमारे बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकता है। देखे जो हम डिपार्टमेंट भेजते हैं हम वहां से पोजिशन लेके आते हैं। हम गलगित से फुटबॉल में जो हमारा था जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एनुअल कैलेंडर में जो चीज शामिल थी वो हमारा गलगित में था, हम गलगित से जो है ना वो विनिंग पोजीशन में आए। हम जहां भी जाते हैं जो हम डिपार्टमेंट हम एज कंपटीशन करवाते हैं ठीक है, हम वहां से जो है ना पहली तीन पोजीशनों में हमेशा होते हैं। ठीक है, अब मसला जो एसोसिएशंस है वो उनका अपना क्राइटेरिया। अच्छा, तरीकाकार क्या है इसका सिलेक्शन का? सिलेक्शन का जो एसोसिएशन का भी जो जनरली तरीकाकार है वो ये है कि पहले वो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में से जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट की टीम, वो फिर एजे के चैंपियनशिप होती है वो खेलते हैं, वहाँ से जो है एक सिलेक्शन कमेटी होती है वो सिलेक्ट करती है वहाँ से खिलाड़ियों को। सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग हैं? मौके पे बना दी जाती है, कोई सीनियर खिलाड़ी होते हैं ठीक है, या कोई कोचेज होते हैं, मतलब वो जो लोग उस खेल के जो मायर होते हैं ना उन पे बनाई जाती है। व्हाई नॉट कि आप जो है ना वो पाकिस्तान से किसी खिलाड़ी को जो है वो उसका चेयरमैन बनाएं, एज ए रिसोर्स पर्सन ले लें, क्या उस लेवल पे स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं सोच रहा? नहीं, हमने देखे ना, हमने एजेके की टीम सेलेक्ट करनी होती है, उसके लिए अगर हम किसी दूसरे सूबे से किसी को बुलाएंगे तो वो उस पर फिर इतराजात उठते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम इसके मतामल नहीं हो सकते। अलबत्त अभी हमने ये प्लान किया है कि हम कोचिंग और अंपायरिंग कैंप ये आगे, ये चूंकि कोरोना की आ गया इस वजह से हम नहीं कर सके, तो ये हमारे प्लान में है कि हम ये जो डिवीजन लेवल पे मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर में ये कैंप लगाएंगे, और उसमें मेरे पेश नज़र ये है कि ये जो तालीमी इदाराजात में जो PETs और जो है DPEs हैं इनको बुलाकर इनकी जो है ट्रेनिंग की जाए, क्योंकि हमें खिलाड़ी दस्तियाबी तालीमी इदाराजात से। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसलिए अभी ये हमारे पाइपलाइन में है कि हम जो है ना तीन डिवीजन्स के अलग अलग करके तो हम इनको जो है। आपके डिपार्टमेंट्स की मुश्किलात क्या हैं जो आप समझते हों कि इस सेक्टर में काम करने की जरूरत है, क्या चैलेंजेस क्या हैं? देखें, हमारे पास जो हमारी जो हमारा अमला जो है ना हमारे पास नहीं है। अच्छा, पूरे आजाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। एक डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर है, जूनियर क्लर्क है, और एक ग्राउंड मैन है, बस। नायब कासिद भी नहीं होता पूरे एके में, नहीं मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह ऐसा ही है। हमारे पास नायब कासिद भी नहीं होता, वो एक हमारे पास ग्राउंड मैन होता है, उसको आप नायब कासिद कह दें, उसको आप चौकीदार कह लें, या उसको आप ग्राउंड मैन कह लें। तो प्रपोज किया है अभी जो इतना बड़ा 256 ग्राउंड आप बनाने जा रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास देखें जो नेशनल लेवल के स्टेडियम्स बने हुए हैं
उनके लिए हमारे पास जो है ना वो अमला दस्तयाब नहीं होता। ये पीछे हमने वो आर्जी तौर पर स्कीम हमने एक बनाई, उसमें कुछ अच्छा हमें हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए आपने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की आपने बात की, कहाँ कहाँ है हमारे जो चूँकि लोगों को भी पता चले कि कहाँ कहाँ पे ये ग्राउंड मौजूद हैं हमारे पास। मैं तो अभी आपको वो पूरे एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं उन्हें मौजूद हैं, ज्यादातर तहसीलों में मौजूद हैं हमारे पास। यूनियन काउंसिल लेवल पे अब हम गए हुए हैं, कोई यूनियन काउंसिल हमारे पास ऐसी नहीं है आजाद कश्मीर में जिसमें हम ग्राउंड नहीं बना रहे उसके मरकज। नहीं, नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, वो उसमें मीरपुर नहीं, उसमें देखना रावला कोर्ट में हमारे पास फुटबॉल का आलमी मियार का ग्राउंड है, ठीक है, हॉकी का जो है ना वो आलमी मियार का ग्राउंड है, ठीक है हमारे पास। ये आपका जो मुजफ्फराबाद का जो स्टेडियम है कि जो बेसिकली मल्टीपर्पज स्टेडियम है लेकिन क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होता ठीक है, ठीक है। ये इस पे जो पीछे लाहौर कलंदर और दीगर लोग पीछे 6 सितंबर को गुज़श्ता साल आई थी हमारे पास जो कौमी क्रिकेट टीम की 2 टीमें बनी थी वो आए थे, वो देखे खुश उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इसका भी, आपके पास मीरपुर का है। अच्छा सर, इतने अच्छे ग्राउंड होने के बावजूद आपने जो है ना नेशनल सतह के कोई टूर्नामेंट क्यों नहीं मुनाकद कर सके? नहीं, हम तो नेशनल सतह के टूर्नामेंट हमेशा से करते आए। आप देखें हमने मुजफ्फराबाद में लाहौर कलंदर का नहीं, नहीं था। और लाहौर कलंदर तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। अच्छा, वो तो क्रिकेट का सब्जेक्ट है, फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर, उन्होंने आकर यहाँ पर एक जो है ना वो एक्टिविटी का भी तो कोई हॉकी का रावला कोर्ट आप अगर आज भी जाए इस वक्त आस्ट्रो ट्रॉफ पे टूर्नामेंट शुरू होगा, वेरी गुड, ठीक है। आप जिस टाइम जाए साल में जो है पूरा साल राउंड द क्लॉक टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स अभी हमने वहाँ पे अरेंज किया हुआ है वो होता है, ऑल पाकिस्तान हम करवाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे करवाया था ये केएच खुशी फुटबॉल स्टेडियम में हमने पहला ऑल पाकिस्तान हॉकी का टूर्नामेंट यहाँ करवाया था। इसी तरह बाकी जितने टूर्नामेंट जो कॉम्पिटिशन हैं वो होते हैं सारे, लेकिन चूंकि नफसा नफसी का दौर है लोगों की तवज्जो नहीं होती कि कहाँ क्या हो रहा है, तो इस जो है ना ये दूसरा इतना उस तरह का जो है वो लोग तवज्जो भी नहीं देते। बाज आप अलमिया ये है कि बहुत सारी जगहों पे मैं गया, हमारे जो तालीमी इदारा जाते हैं उसके सरबरान इसको फालतू चीज समझते हैं। इंडोर गेम्स के लिए सरदार साहब शोक साहब के उसके लिए कोई प्लानिंग है आपकी मुस्तकबिल में कोई इस तरह की मैचेस? इंडोर गेम्स के लिए हमारे पास जो है स्टेट ऑफ द आर्ट ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, आपने इसका कहीं विजिट भी फरमाया होगा शायद, जी जी गए थे। आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेशनल लेवल का जिम है, यहाँ पर हमारे पास आप बैडमिंटन 3 कोर्ट है, उसके बाद हमारे पास स्नोकर क्लब है, करम क्लब है, और ये सारी फैसिलिटीज इसमें इसमें जाने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन का क्या रजिस्ट्रेशन होती है और लोगों की दिलचस्पी का ये बात है, इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, इसमें हमने हमारे पास क्या फीस रखी हुई है? फीस इसकी मेरा ख्याल है को 1500-2000 रुपया इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है, वो जो हमारे गवर्नमेंट के अकाउंट में जाती है, और उसके बाद बाकी मंथली फीस है जिससे उसकी जो है ना अखराजात चलते हैं, बिजली का बिल है, मेल अलग है फीमेल अलग है, वेरी गुड। इसके अलावा मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि हमारे पास इस्लामगढ़ में हमारे पास वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वेरी गुड, जिसमें हॉकी फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट जिम सारी सहूलियात मौजूद है उसमें। खवातीन की कितनी तादाद वहाँ पे आती है? वो अभी उसके ये रिसेंटली कंप्लीट हुआ है उसमें अभी, अच्छा अभी हाँ अभी उसमें हमने फीमेल जिम ट्रेनर भी रखी हुई है, यहाँ भी मौजूद है। अच्छा, हाँ उसके अलावा बाग में हमारे पास जिम मौजूद है, और बाग में मुजफ्फराबाद में स्क्वाश कोर्ट बनाए हुए हैं अलग, वो मौजूद है नेशनल लेवल के, और ये सारी जो जो आप देखें कि जो चीजें हमारे पास जो हम समझते हैं कि इससे हमारे लोग जो है ना इनको बूस्ट अप मिल सकता है स्पोर्ट्स में, यही मैं कह रहा हूँ सर। आप जो है इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाए ना, लोगों को पता चले कि आप स्पोर्ट्स बोर्ड ये काम कर रहा है, मीडिया कंपेन की जरूरत नहीं है इस पे? नहीं, लोगों को जो मुतलका लोग हैं उनको मालूम है, उनको पता है, इस तरह जनरल आम पब्लिक शायद इससे इतनी ज्यादा अवेयर नहीं होगी, लेकिन इसका जो मतलब जो स्कॉश वाले लोग हैं उनको पता है, स्कॉश फेडरेशन वाले जिनको दिलचस्पी है उनको पता है, उनको पता है, ठीक हो जी। बहुत शुक्रिया मलिक शौकत साहब, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने स्पोर्ट्स बोर्ड की बहुत बड़ी एक्टिविटीज आज़ाद कश्मीर भर में जारी हैं, आज के इस प्रोग्राम को जो थीम्स हमें समझ आया है वो यही है कि लोगों की शमूलियत, आपके पास एक ग्राउंड भी मौजूद हैं, मतलब एक आपके पास
एक तमाम सहूलियात मौजूद होने के बावजूद अगर आप जो है वो माशरती बुराइयों का शिकार हों तो ये आपका अपना फैसला है। अपने मेज़बान ज़हीर जगवाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नगेबान हो।